हम लोग ये दो बार हो गए हैं, मम्मी पापा आया दो बार यहाँ पर वो जानने के लिए। तो बोला कि धमकी दिया कि मछली दिया, बोला गया वहाँ पर दर्जना का था, दर्जना गया तो वहाँ केस नहीं होगा बोला। और पुलिस वाले बोले थे कि आप लोग केस मत डालना, आपको मार जो पागल मना रखना, उनके दो चार भाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुचर्चित एसटीएम ज्योति मौर्य से मिलती जुलती एक कहानी सामने आई है। इस बार सरकारी नौकरी लगते ही प्रेमिका ने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए अपने साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों से उसकी जमकर पिटाई करवा दी। इतने में बात नहीं बनी तो प्रेमी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया और उस बेचारे आशिक सूरज गेंदले पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर दी। इसी सिलसिले में पीड़ित युवक सूरज गेंदले ने अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ पुलिस अधीक्षक के पास बेवफा प्रेमिका की शिकायत लेकर पहुंचे। हम लोग ये दो बार हो गए हैं, मम्मी पापा आया दो बार यहाँ पर वो जानने के लिए। तो बोला कि धमकी दिया कि मछली दिया, बोला गया वहाँ पर दर्जना का था, दर्जना गया तो वहाँ केस नहीं होगा बोला। और पुलिस वाले बोले थे कि आप लोग केस मत डालना, आपको मार जो पागल मना रखना, उनके दो चार भाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बेलगहना पुलिस चौकी में नौकरी करने वाली एक महिला पुलिस आरक्षक पर पूर्व प्रेमी सूरज गेंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित प्रेमी के अनुसार महिला आरक्षक के पद पर अब उसकी प्रेमिका की नौकरी नहीं लगी थी। तब सब कुछ अच्छा चल रहा था और दोनों आपस में प्रेम से रहा करते थे और वो बहुत प्यार भी करती थी। जब से उस महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लगी है वो बदल गई है। युवक का कहना है कि अब वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, इसीलिए उसने अन्य पुलिस सहकर्मियों के साथ मिलकर उसकी और उसकी मां की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही उसे धमकी दी है कि वो उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। खुद के साथ में मारपीट और अत्याचार से दुखी प्रेमी ने इसकी शिकायत बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। इसी बीच पुलिस वालों ने इस दुखी प्रेमी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा कभी उसे बेलगहना पुलिस चौकी जाने को कहा गया तो कभी कोटा पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई। परेशान प्रेमी ने आखिरकार पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई और फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ और प्रेमी के द्वारा इस तरह से मीडिया के सामने आकर सरकारी नौकरी लगते ही तेवर बदलने और अत्याचार करने का मामला उठाने पर नाराज प्रेमिका जो पुलिस आरक्षक बन चुकी है उल्टे प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर कार्रवाई करवा दी है। पीड़ित युवक ने बताया कि वह युवती की बहन की शॉपिंग का खर्चा उठाया करता था। यहाँ तक आरक्षक बनने के बाद भी उसने अपनी प्रेमिका को स्कूटी खरीदने के लिए 53,000 रुपए दिए थे। ये मेरा एक गुहार में करता हूँ निवेदन मेरे मम्मी के ऊपर ना, पुलिस जो पागल थे ना रात को 6 तारीख को मारने के लिए भेजा था, ठीक उसके बाद 7 तारीख को मुझे कॉल करके बुलाया बेलगहना आप एक साथ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि स्कूटी लेंगे के करना 53,700 में लेकर गया। उसके बाद ना उन लोगों के पुलिस लोग मुझे घेर लिए बेलगहना के पास, उनके दो चार पुलिस जो थे ना वीरेंद्र कोयल गाजल विनोद राकेश जो था ना इन लोग मुझे मारा पीटा। उनके जो भाई नंदन था वो भी मुझे मारा और इस कारण को भाई लोग को भिजवा के फिर मैं बेहोश हो गया 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये पुलिस वाले अभी यहाँ क्यों आए हो? इसलिए आए क्योंकि हम लोग रिपोर्ट डाले तो इन लोग बोल रहे कि हमारा केस जो पोती भी दिया नहीं और बोल रहे कि जाओ वहाँ पर बेलगहना जाओ बेलगहना गया तो पोता बोलते यहाँ पर हम आपका केस नहीं लेंगे, आपका रिपोर्ट नहीं लेकिन मस्तूरी गया आप डायरेक्ट फिर दोबारा जा कोर्ट वहाँ पर सुनाई लेंगे। तो रिपोर्ट गया, रिपोर्ट मेरा जो चोट लगा था सिर पर फटा था तो इस कारण पुलिस वाले का नाम बताओ जिससे प्रेम करते थे। काजल मनहर था। छत्तीसगढ़ के इस मामले ने अचानक ही एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी याद दिला दी है, क्योंकि जहां सरकारी नौकरी लगने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य के बदल जाने का आरोप लगा था, ठीक वैसे ही सरकारी नौकरी लगते ही प्रेमिका के बदल जाने का किस्सा अब सामने आया है। वर्दी वाली प्रेमिका के आशिक सूरज गेंदले ने बताया कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लगी थी दोनों आपस में खूब प्रेम से रहा करते थे, लेकिन जैसे ही प्रेमिका की पुलिस विभाग में नौकरी लगी और वो पैसे कमाने लगी तो उसके तेवर ही बदल गए। फिलहाल इस प्रेम कहानी में प्रेमिका अपने पूर्व प्रेम पर भारी पड़ रही है और पीड़ित युवक है कि अपनी पूर्व प्रेमिका को छोड़ नहीं पा रहा। अब देखना होगा इस प्रेम कहानी का अंत कैसे होता है।